सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। यूपी में हो रहे निकाय चुनाव में सभी सियासी दल पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में हैं। जी हां, नगर निगम में उम्मीदवारों की अगर संख्या पर एक नजर डाली जाए तो सबसे ज्यादा अपने सिंबल पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कहीं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर, तो कहीं कांग्रेस के और कहीं बीएसपी के उम्मीदवार शामिल है। यूपी में स्थानीय निकाय के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें इस बार 17 नगर निगम है और इन 17 नगर निगमों में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस सभी ने अपने सिंबल पर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। नगर निगम में मेयर सीधे जनता चुनती है, जिसका कार्यकाल 5 साल का होता है। शहर के प्रथम नागरिक के रूप में मेयर का ओहदा सबसे ऊंचा होता है, तो किस पार्टी ने किस पर दाव लगाया है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि किस चरण में कहां, कब और कैसे चुनाव होने हैं। तो निकाय चुनाव 2023 दो चरणों में होगा, जहां पहला चरण 4 मई, दूसरा चरण 11 मई और मतगणना की जो तारीख है वो 13 मई को होगी, यानी कि जो मतगणना है वो 13 मई को होगी। 4 मई को जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और दूसरे चरण का जो चुनाव है वो 11 मई को होगा और इन सभी के जो नतीजे हैं वो 13 मई को आएंगे, यानी कि 13 मई को प्रत्याशियों की किस्मत का जो भी फैसला है वो खुलकर सामने आ जाएगा। तो निकाय चुनाव 2023 दो चरणों में होंगे, जहां पहला चरण का मतदान 4 मई को होगा और दूसरे चरण में जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल 11 मई को करती हुई नजर आएगी, जबकि अगर नतीजों पर एक नजर डाले तो 13 मई को दोनों ही चरणों के नतीजे जो है वो घोषित हो जाएंगे। इस दौरान 18 मंडल, 75 जिलों में जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी। तो यूपी में निकाय चुनाव जहां दो चरणों में होने हैं, तो उस दौरान 18 मंडल और प्रदेश के 75 जिलों में जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी, यानी जनता जो है वो वोट डालती हुई नजर आएगी। तो दो चरणों में मतदान होगा, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था। अगर निकाय चुनाव की बात करें तो उस दौरान दो चरणों में मतदान होगा, जहां 17 नगर निगमों में ईवीएम से जनता मतदान करेगी, तो 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा और शाहजहांपुर में पहली बार नगर निगम के लिए मतदान होंगे, यानी शाहजहांपुर की जनता पहली बार अपने मेयर को चुनेगी। तो 4 मई को पहले चरण का मतदान होगा, जहां 9 मंडल, 37 जिलों में जनता अपने वोट का इस्तेमाल करेगी और नामांकन दाखिल करने की तारीख इस दौरान 11 से 17 अप्रैल थी और पत्रों की जो जांच की तारीख थी वो 18 थी। तो जो 4 मई को निकाय चुनाव होने हैं उसमें 9 मंडल, 37 जिलों में जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। तो 4 मई को 9 मंडल, 37 जिले में जो जनता है वो अपने वोट का इस्तेमाल करेगी और पहले चरण की नाम वापसी की जो तारीख घोषित की गई थी वो थी 20 अप्रैल। तो निकाय चुनाव बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि इस दौरान यूपी के सभी 75 जिलों में दो चरणों में वोट डाले जाएंगे, जहां अगर पहले चरण पर हम एक नजर डालें तो इस दौरान पहले चरण का जो मतदान है वो 4 मई को होगा, जिस दौरान 9 मंडल, 37 जिले में जनता अपने वोट का इस्तेमाल करेगी। तो इस दौरान जो 9 मंडलों की हम बात कर रहे हैं उसमें लखनऊ, प्रयागराज से लेकर तमाम कई ऐसे मंडल है जो शामिल है। इस दौरान 37 जिले की जो जनता है वो वोट डालेगी और निकाय चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प और 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, जहां 9 मंडल, 38 जिले और 7006 सीटों पर जनता अपने वोट डालेगी। वही दूसरे चरण की नाम वापसी की जो तारीख थी वो 27 अप्रैल की तय की गई थी और दूसरे चरण में 11 मई को जनता वोट डालेगी। इस दौरान 9 मंडल, 38 जिले और 7000 कुछ वोटों पर जो जनता है, जो 7000 कुछ सीटें हैं उस पर जनता वोट डालेगी। तो 7006 सीटों पर कुल इस दौरान वोट डाले जाएंगे। इस दौरान 9 मंडल, 38 जिले शामिल है। वहीं शाहजहांपुर, जहां की जनता पहली बार अपना मेयर चुनेगी, इस दौरान दूसरे चरण में चुनाव होने हैं, जहां 38 जिलों में जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। तो 9 मंडलों में से एक जगह शाहजहांपुर भी शामिल है, जहां पर पहली बार मेयर चुना जाएगा। तो इस दौरान 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद, 544 नगर पालिका, नगर पंचायत, तो कुल अगर नगर निगम की सीटों पर वोट डाले तो 760 सीटें ऐसी हैं जहां पर
वोट डाले जाएंगे। 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद, वही 544 नगर पंचायत के साथ अगर कुल नगर निकाय की सीटों पर हम एक नजर डालें तो 760 सीटें हैं। वहीं मतदाताओं के अगर आंकड़ों पर एक नजर डाली जाए तो 2017 के दौरान 3.35 करोड़ मतदाता थे और इस बार 2023 यानी कि 5 साल के अंतराल में जो मतदाता है उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है 4.32। तो वहीं अगर हम बढ़ोतरी के आंकड़ों पर सिर्फ नजर डालें तो 93.33 लाख मतदाता है वो इस बार बढ़ गए हैं। तो 2017 और 2023 के बीच में कुल 5 साल का डिफरेंस था। इस दौरान मतदाताओं की जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो 93.33 लाख मतदाता इस बार बढ़े हैं यानी कि इस बार वोटर्स की संख्या भी बढ़ी है। जहां पुरुष मतदाताओं की संख्या 2.29 करोड़ है, महिला जो वोटर्स है उनकी संख्या है 2.02 करोड़। तो वहीं अगर कुल मतदाताओं पर हम नजर डालें तो 4.32 करोड़ मतदाता इस दौरान अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। तो जहां एक तरफ वोटर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है तो पुरुष और महिला वोटर्स इन दोनों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो उस दौरान कुल 75 जिलों में 4.32 करोड़ मतदाता ऐसे है जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। तो यूपी में 17 नगर निगमों में दोनों ही चरणों में वोट डाले जाएंगे जिसमें पहले चरण में 10 नगर निगम और दूसरे चरण की बात करें तो उस दौरान 7 नगर निगम है जहां वोट डाले जाएंगे। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि पहले चरण के चुनाव में किस पार्टी ने कौन से प्रत्याशी पर दाव लगाया है। तो पहले चरण में गोरखपुर में भी जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी जहाँ भाजपा की तरफ से मंगलेश श्रीवास्तव चुनाव लड़ेंगे तो सपा के सिंबल पर काजल निषाद चुनावी मैदान में उतरी है जबकि बसपा की तरफ से नवल किशोर नाथानी तो वहीं कांग्रेस की तरफ से नवीन सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये आपको हम बता रहे हैं जहां गोरखपुर से मेयर प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। चूंकि गोरखपुर की सीट बहुत अहम हो जाती है क्योंकि ये सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और ऐसे में कई सालों से सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। तो अगर नगर निगम 2022-2023 के हम प्रत्याशियों पर एक नजर डालें तो उस दौरान चारों ही पार्टियों ने दमदार प्रत्याशी अपने चुनावी मैदान में उतारे हैं। तो 4 मई को पहले चरण का वोट होगा, दूसरे चरण का जो मतदान है वो 11 मई को होगा और जिनके नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। तो पहले चरण में 4 मई को वोट डाले जाएंगे। और वहीं अगर गोरखपुर के हम प्रत्याशियों पर एक नजर डालें तो यहां से भाजपा ने मंगलेश श्रीवास्तव तो वहीं सपा के सिंबल पर भी जो प्रत्याशी है वो काजल निषाद है। तो काजल निषाद पर सपा ने दाव लगाया है जबकि मायावती की पार्टी बसपा ने नवल किशोर को प्रत्याशी घोषित किया है। तो वहीं पहले चरण में प्रयागराज की जनता भी अपने मत का इस्तेमाल करेगी जहां उमेश चंद्र गणेश केसरवानी पर भाजपा ने दाव लगाया है। तो वहीं अगर हम प्रयागराज में सपा पर नजर डालें तो सपा के सिंबल पर अजय श्रीवास्तव चुनावी मैदान में उतरे हैं और बसपा की तरफ से सईद अहमद प्रत्याशी घोषित हुए हैं। और वहीं अगर कांग्रेस की हम बात करें तो प्रभा शंकर मिश्रा इस दौरान चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। तो प्रयागराज की ऐसी सीट है जो इस वक्त कहीं ना कहीं हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि अतीक अशरफ हत्याकांड का ये केंद्र रहा था जहां पर ये पूरा कांड हुआ था। तो वहीं वाराणसी पर अगर एक नजर डालें तो वाराणसी में भाजपा के सिंबल पर अशोक तिवारी चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो वहीं अगर सपा पर एक नजर डालें तो ओपी सिंह चुनाव में अपनी दमदारी पेश करेंगे। तो वहीं बसपा की ओर से सुभाष चंद्र मांझी और कांग्रेस के सिंबल पर अनिल श्रीवास्तव चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का भी संसदीय क्षेत्र है तो ऐसे में यहां का चुनाव काफी दिलचस्प हो जाता है। तो वही पहले चरण में हमने जैसे कि आपको जिक्र किया कि 4 मई को जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी जहां मुरादाबाद में बतौर मेयर प्रत्याशी अगर हम भाजपा के प्रत्याशी पर नजर डालें तो वो है विनोद अग्रवाल जिनको भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं सपा की ओर से रईसुद्दीन चुनावी मैदान में उतरे हैं जबकि बसपा के सिंबल से मोहम्मद को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से रिजवान कुरैशी चुनावी मैदान में उतरे हैं तो मोहम्मद यामीन को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं सपा की ओर से रईसुद्दीन चुनावी मैदान में है। तो मुरादाबाद की सीट भी काफी अहम हो जाती है क्योंकि भाजपा ने विनोद अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा है जबकि सपा की ओर से रईसुद्दीन चुनावी मैदान में है।
तो पहले चरण में मुरादाबाद में भी जनता अपने मत का इस्तेमाल करती हुई दिखाई देगी। तो वहीं फिरोजाबाद में भी पहले चरण में वोट डाले जाएंगे, जहां पर भाजपा ने कामिनी राठौर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और सपा की ओर से अगर हम बात करें तो मसरूफ फातिमा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो मसरूफ फातिमा सपा की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हैं, जबकि बसपा की ओर से रुखसाना बेगम को प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस ने नुसहत अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो अगर हम सभी कैंडिडेट्स पर एक नजर डालें तो अगर फिरोजाबाद में कहीं ना कहीं बसपा और अगर हम कांग्रेस के प्रत्याशियों पर नजर डालें तो इन दोनों ने ही मुस्लिम जो मुस्लिम प्रत्याशी है उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा की ओर से कामिनी राठौर को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वही ताज नगरी आगरा की अगर हम बात करें तो यहां पर भाजपा ने हेमलता दिवाकर को चुनावी मैदान में उतारा है। और सपा के अगर हम सिंबल पर नजर डालें तो सपा ने जूही प्रकाश को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं बसपा की ओर से लता को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो कांग्रेस की ओर से लता कुमारी चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो ताजनगरी आगरा में जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ताजनगरी आगरा पर कई सालों से ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस और सपा का दबदबा थोड़ा ज्यादा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस की भाजपा ने तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वही लखनऊ नगर निगम की सबसे बड़ी सीट लखनऊ, जहां पे भाजपा ने सुषमा खरकवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं अगर सपा के सिंबल की हम बात करें तो वंदना मिश्रा चुनावी मैदान में उतरी है। और बसपा ने यहां भी मुस्लिम कार्ड खेलते हुए शाहीन बानो को प्रत्याशी घोषित किया है। तो वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो संगीता जायसवाल चुनावी मैदान में है। तो लखनऊ की सीट इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि इस सीट पर 28 सालों से भाजपा का दबदबा रहा है। तो ऐसे में भाजपा इस बार भी इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है और साथ ही जीत का दावा भी कर रही है। तो वही जो तमाम अन्य विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने भी दमदार प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, क्योंकि वंदना मिश्रा बतौर पत्रकार भी काम कर चुकी है और साथ ही साथ एक लोकप्रिय समाज सेवी भी है और संगीता जायसवाल भी जनता के बीच एक लोकप्रिय चेहरा रही है। तो वहीं सहारनपुर की अगर हम मेयर प्रत्याशियों पर एक नजर डालें तो भाजपा ने अजय कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि अगर सपा की बात करें तो सपा ने अपने सिंबल पर नूर हसन आलम को चुनावी मैदान में उतारा है और बसपा ने खादीजा मसूद को प्रत्याशी बनाया है। और अगर हम वहीं कांग्रेस की बात करें तो प्रदीप वर्मा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो यहाँ ये जानना अहम हो जाता है, क्योंकि सहारनपुर एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है और यहाँ कहा जाता है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो ऐसे में अगर हम सपा और बसपा के प्रत्याशियों पर एक नजर डालें तो दोनों ही पार्टियों ने तमाम तरीके के सियासी समीकरणों को सोचा, ध्यान में रखा, उसके बाद अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। तो पहले चरण में भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में भी जनता अपने मत का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी। इस दौरान भाजपा ने विनोद अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। तो सपा के सिंबल पर तुलसी राम शर्मा चुनाव लड़ते हुए अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं अगर बसपा पर हम एक नजर डालें तो मुस्लिम अहमद को चुनावी मैदान में उतारा गया है। और वहीं अगर हम कांग्रेस के प्रत्याशी पर एक नजर डालें तो राजकुमार रावत को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं झांसी पर हम एक नजर डालें तो बिहारी लाल आर्य भाजपा की तरफ से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और अगर सपा के प्रत्याशी की हम बात करें तो रघुवीर चौधरी सपा की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे हैं, जबकि बसपा की ओर से भगवान दास फुले पर बसपा ने अपना दाव खेला है। और अगर कांग्रेस के हम प्रत्याशी पर एक नजर डालें तो अरविंद कुमार बबलू कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो अयोध्या यानी भगवान श्री राम की नगरी में भी जो सभी पार्टियां हैं उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, लेकिन यहाँ ये जानना अहम हो जाता है कि दूसरे चरण में अयोध्या में वोट डाले जाएंगे, यानी कि 11 मई को यहाँ की जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी। लेकिन उससे पहले अगर हम मेयर के प्रत्याशियों पर एक नजर डालें तो भाजपा ने गिरीश पते त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं आशीष पांडे सपा के सिंबल पर मेयर पद पर अपना चुनाव लड़ेंगे। वहीं राममूर्ति यादव को बसपा ने प्रत्याशी घोषित किया है। तो कांग्रेस की तरफ से प्रमिला राजपूत चुनावी मैदान में उतारी गई है। तो अयोध्या में कुल 4 जो मेयर प्रत्याशी है वो घोषित किए गए, और हमने लगातार आपको तस्वीरों के जरिए दिखाया कि ये वही प्रत्याशी है जिन पर पार्टियों ने अपना दाव खेला है। वहीं अलीगढ़ में भी दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे, जहां प्रशांत सिंगल पर भाजपा ने अपना दाव लगाया है। तो अगर सपा के प्रत्याशी पर हम एक नजर डालें तो जमीर उल्ला खां को सपा ने प्रत्याशी बनाया है, सलमान साहिद को बसपा ने प्रत्याशी बनाया है, तो गौतम को
अगर हम बात करें अलीगढ़ से, गौतम को कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया है, तो अलीगढ़ की वो सीट है जहां पर बसपा ने अपनी जो जीत दर्ज की थी 2017 के निकाय चुनाव में, तो ऐसे में भाजपा के लिए ये सीट काफी अहम हो जाती है, क्योंकि अगर हम भाजपा के 2017 के नतीजों पर एक नजर डालें तो कुल 16 में से 14 मेयर की ऐसे सीट थी जिन पर भाजपा का कब्जा रहा था। तो अलीगढ़ के प्रत्याशियों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, तो दूसरे चरण में अलीगढ़ की जनता अपने वोट का इस्तेमाल करेगी, जहाँ बसपा की तरफ से सलमान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो उद्योग नगरी कानपुर का जो मुकाबला है वो भी काफी दिलचस्प है, क्योंकि भाजपा ने अपनी 2017 के प्रत्याशी पर ही एक बार फिर से दाव लगाया है, उनका नाम है प्रमिला पांडे। तो वहीं सपा के सिंबल पर वंदना बाजपेयी चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। तो वहीं बसपा की तरफ से अर्चना निषाद चुनावी मैदान में उतरी है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी पर हम एक नजर डालें तो अश्विनी अवस्थी को कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि अगर भाजपा के प्रत्याशी की हम बात करें तो प्रमिला पांडे 2017 में भी इस सीट पर काबिज हुई थी, यानी कि 2017 में भी कानपुर की जो मेयर पद था वो उन्होंने ही उस पर जीत दर्ज की थी, और इस बार भी भाजपा ने ही इन पर दाव लगाया है। तो दूसरे चरण में निकाय चुनाव गाजियाबाद में भी होना है, जहां सुनीता दयाल को भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया है और सपा की तरफ से पूनम को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो अगर हम बसपा के सिंबल पर कौन चुनाव लड़ रहा है इसका जिक्र करें तो निसारा खान पर बसपा ने दाव लगाया है, तो पुष्पा रावत कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतारी गई है। तो दूसरे चरण में गाजियाबाद में भी चुनाव होने हैं, ऐसे में भाजपा ने सुनीता दयाल को चुनावी मैदान में उतारा है। दरअसल भाजपा ने 2017 के प्रत्याशी को रिपीट करने की बजाय सुनीता दयाल को चुनावी मैदान में उतारा है, क्योंकि जो भाजपा की 2017 के मेयर प्रत्याशी थी उन पर तमाम तरीके के आरोप लगे थे, तो कहीं ना कहीं आरोपों से बचने के लिए भाजपा ने इस बार चुनावी मैदान में एक नया प्रत्याशी उतारा है। तो दूसरे चरण में बरेली में भी जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी, जहां भाजपा ने उमेश गौतम को चुनावी मैदान में उतारा है, तो सपा की तरफ से संजीव सक्सेना अपनी जीत का दावा पेश करेंगे। तो बसपा की तरफ से यूसुफ खान, तो कांग्रेस की तरफ से कुलभूषण त्रिपाठी को जो कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो बरेली नगर निगम में तमाम जातिगत आंकड़ों को भी ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारे हैं, और बरेली के अगर आंकड़ों पर बात करें तो 2017 में भी इस सीट पर भाजपा ने ही जीत दर्ज की थी। तो भाजपा के लिए ये सीट जीतना इस बार भी काफी अहम हो जाता है, यही वजह है कि भाजपा ने उमेश गौतम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो दूसरे चरण में मेरठ में भी चुनाव होने हैं, जहां हरिकांत आहलूवालिया को भाजपा ने बतौर मेयर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है। तो सपा की तरफ से सीमा प्रधान और वहीं हाथी यानी कि बसपा के सिंबल पर हसमत अली चुनावी मैदान में है। तो कांग्रेस के अगर हम प्रत्याशी पर एक नजर डालें तो कांग्रेस की तरफ से नसीम कुरैशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो 2024 के चुनाव से पहले जो सभी पार्टियां हैं उन्होंने एक लंबे विचार विमर्श के बाद अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। तो आखिरी नगर निगम की सीट है वो है शाहजहांपुर। जी हाँ, 2023 में पहली बार यहाँ पर वोट डाले जाएंगे, तो ऐसे में इस सीट पर जो भी पार्टी जीतती है वो इतिहास दर्ज करेगी। तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, जो कुछ इस तरीके से है। जहां भाजपा ने अर्चना वर्मा को प्रत्याशी बनाया है, सपा की तरफ से माला राठौर और बसपा के सिंबल पर शगुफ्ता अंजुम चुनाव लड़ती हुई दिखाई देंगी, तो कांग्रेस की तरफ से निकहत इकबाल। लेकिन अगर अर्चना वर्मा पर एक नजर डालें तो ये सपा की तरफ से पहले इनको प्रत्याशी घोषित किया गया था, लेकिन नामांकन से महज एक दिन पहले ये भाजपा में शामिल हुई और भाजपा ने इन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो 2023 का निकाय चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया है, क्योंकि 2023 में निकाय चुनाव पर अगर हम बात करें तो उस दौरान दो चरणों में वोट डाले जाएंगे, जहां शाहजहांपुर और लखनऊ हॉट सीट बनी हुई है। लखनऊ हॉट सीट इसलिए है क्योंकि यहां पर कई सालों से भाजपा का कब्जा रहा है, तो शाहजहांपुर हॉट सीट इस वजह से बनी हुई है क्योंकि यहां पहली बार मेयर चुना जाएगा, और मेयर चुनने के लिए तमाम पार्टियों ने सारी जद्दोजहद की और भाजपा ने एक बड़ा दाव खेलते हुए सपा के प्रत्याशी को अपने खेमे मिलाने का प्रयास किया। तो शाहजहांपुर पे जो भी पार्टी जीती है वो कहीं ना कहीं एक इतिहास दर्ज करेगी, यही वजह है कि जो तमाम पार्टियां हैं वो लगातार इस सीट पर जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। तो शहर की लड़ाई और आखिर किसका टेम्पो हाई, ये तो देखने वाली बात होगी जब 13 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन हमने लगातार आपको बताया कि 2023 में कौन कौन सी पार्टी ने किस किस को बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है, यह भी हमने आपको दिखाया। तो हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।